सिंह साहब से भी कॉलेज के इलेक्शन की बात हुई आ, आपने तीस साल पहले पहला इलेक्शन जीता था से? हाँ, से। और तीस साल पुराने आपके कुछ 69 लोग... में जी तीस साल से ऊपर हाँ। साल हाँ। आपको ये पता है लोग आज भी वहाँ याद करते हैं आपको तीस साल को भी बहुत याद करते हैं।, हैं।, हैं। देखिए क्या कह रहे हैं चुनाव में राजनीति शुरू करने के लिए पहली बार आए थे तब यहीं इसी मकान से आपने कंपनी शुरू किया था और हम जितने साथी यहाँ बैठे हैं सब आपके साथ यहाँ चुनाव में कंपनी करने के लिए आए थे नमस्कार प्रणाम जब आप साइकिलिया से हम लोगों के संगे सब पुरखीपुर सुने कि पूरा गंवा डूबा जाता है तो आप बिल्कुल बहबल हो ही साइकिल चढ़ चढ़ के सबके हुआ गए तो देखा कि पूरा गौना डूबा है राजा साहब आपके डिप्टी लीडर गुलाम मोहम्मद बोला था आपका याद हुई जब आपके गोड़वा में छाला पड़ गया रहा था प्रचार कर कर पैदल चलत चलत तो डॉक्टर निगम खेल रोज आपके साथ जाके पट्टी करावत रहे याद आए ना और राज किशोर भैया लाई चना के बोरन के इंतजाम करके आप कर कार का तो का खियावत रहे राजा हम तो धोखा नहीं भूल सकी और तू फिर एक नहीं हमका सबे का आके दर्शन दिया आप मेरे घर गए तो मैंने अपना दाहिना अंगूठा चीर कर आपका तिलक लगाया उसके बाद उस समय जो जांगर ढोल का विरोध हो रहा था जिसका आपने जमकर विरोध किया हमसे आप कह रहे हैं कि गुलाम एक दिन हम पर चुप्पे से हो गए और सब लोगों का इकट्ठा करा और सबसे हम अलग अलग मिल तो राजा साहब का उन्हें दिन समझ दिया और में आवा सबका दर्शन करा सिंह साहब ये कांग्रेस हाई से आपने जो इलेक्शन जीता तब आप इंदिरा गांधी जी, जी के काफ़ी करीब थे उनको बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक कि इमरजेंसी में भी उनके खिलाफ आपने आवाज़ नहीं उठाई तो अचानक फिर ये जो राजीव गांधी जी से मतलब आप कैसे दूर हो गए यहाँ ठीक है इंदिरा जी के हम बहुत एहसानमंद हैं उन्होंने एक बच्चे की तरह हमको रखा जी जितना उन्होंने प्यार और ख्याल रखा शादी किसी ने रखा और इसीलिए जब वो नहीं रहीं तो हम एस फिनेंस मिनिस्टर पूरा अपना फ़र्ज समझते थे कि राजीव जी को हम पूरी जो भी हमारी शक्ति है उनको मदद करें उनको काम कराएं। बहुत इज्जत करता था उनके लिए लड़ता था कि इंदिरा जी से भी बेहतर नेता हमारे राजीव गांधी है अपने दोस्तों से लड़ाई हो जाती थी कहाँ है रनमैती लड़ाई होती थी लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें पे मतांतर हो गया ख़ासकर वो पंडुब्बी का मामला आया उस पर हमारे पास सूचना आई अपने ही एम्बेसडर से कि इसमें जर्मन ऑफिसर ने बताया कि सात परसेंट का आ, कमीशन है किसी इंडियन एजेंट को दिया जा रहा है उस पर हमने इंक्वायरी की उस पर पता नहीं क्यों राजीव जी की नाराज़गी हुई और वो ज़ाहिर हो गया प्रेस में इससे और भी उनकी नाराज़गी हुई और वहीं से हम सोचे कि जब उनकी इतनी नाराज़गी है तो हमारा उचित नहीं है कि हम कैबिनेट में रहें अपना इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद तो सब प्रेस में आया हुआ है कोई नहीं चीज़ नहीं चीज़ फिर आपने फिर इस्तीफा दिया फिर उनके खिलाफ लड़े फिर उनकी गवर्नमेंट भी गिरा दी वो ऐसा है कि मैं कांग्रेस से ना निकलता हमको एक्सपेल किया गया हमारे पास कोई नहीं रह गया। आप अगर कांग्रेस से नहीं निकलते अगर, तो, अगर हमको हमको एक्सपेल एक्सपेल करते, तो कांग्रेस नहीं छोड़ते। कर दिया गया। तो हमारे गया। हमारे पास कोई रह जी सिंह साहब जब आप कांग्रेस के खिला, खिलाफ लड़ रहे थे उस जमान की आपके एक दोस्त थे बुलाए प्लीज जरूर, जरूर। uh, विश्वनाथ आई एम श्योर डेट मैनी जन मोर्चा केम इन टू An episode which took place 12 years ago, but I am sure to you, as to all of us, it seems as if it happened yesterday. The Morcha, of course, was an accident. None of us had uh, planned to revolt against uh, Rajiv or to uh, leave the Congress. And uh, whilst all the conspiracy theories were going around, it was, I think, the Gyaniji episode. Which really brought us all together. What everyone doesn't know is that both you and I, through emissaries, had assured Rajiv that we had nothing to do with Gyaniji's uh, plan, or rather Gyaniji's fight with Rajiv at that time. But I think that as soon as the presidential elections were over, we were all expelled from the party and the Jan -Morcha came into existence. It happened by accident, but as things worked out, it was the best time of our lives. This is to wish you well for the future.